तो बागियों की सियासी हुंकार, किसकी जीत किसकी हार? बागियों की सियासी हुंकार, किसकी जीत किसकी हार? उत्तराखंड में अब यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कहीं राहत है तो कहीं आफत है। बागी किसका अब खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे, अब इस पर सबकी निगाहें टिक गई है। क्योंकि जो कुछ घंटे की मोहलत बीजेपी और कांग्रेस को मिली थी उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए, उस डैमेज कंट्रोल में कुछ सीटों पर गले की हड्डी बने बागी आज भी आफत का सबब बने। बात बीजेपी की जाए सबसे पहले, क्योंकि अब की बार 60 पार का नारा बीजेपी का है, और ऐसे में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद इधर से उधर भगाए, उधर से इधर भागे, मुख्यमंत्री तक डैमेज कंट्रोल में उतरे, प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला, लेकिन फिर भी 12 सीटों पर बीजेपी इस वक्त अभी भी बगावत झेल रही है। एक एक सीट में आपको बताऊंगा, दिलचस्प चर्चा होगी आज, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी की 12 सीटें ही नहीं, जबकि कांग्रेस कम से कम 6 सीटों पर बगावत झेल रही है, जो कि औपचारिक रूप से है। 12 सीटों पर बीजेपी बगावत झेल रही है और 6 सीटों पर कांग्रेस। डोईवाला में बीजेपी के लिए राहत की खबर यह आई कि सौरभ थपलियाल ने, जो कि एक मजबूत चेहरे थे, उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। बीजेपी के सबसे हैवीवेट नेता उनको मनाने गए थे, अनिल बुलोनी, राज्यसभा सांसद है, लेकिन सब जानते हैं कि उत्तराखंड में उनकी सियासी ताकत, वो गए थे उनको मनाने के लिए, कामयाब हो सौरभ थपलियाल ने, जो कि बड़ा चेहरा है, उन्होंने वापस ले लिया, इसलिए डोईवाला से कुछ राहत। घनसाली सीट पर बीजेपी के लिए दिक्कत, क्योंकि वहां पर सोहन लाल जो थे उनको मना लिया गया, यह राहत है घनसाली पर कांग्रेस के लिए दिक्कत है। लेकिन उत्तराखंड में कुल मिलाकर जो नामांकन वापस लेने की जो बात थी, जिसका आंकड़ा न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार आपको बता रहा था, लगभग 100 नाम ऐसे होंगे जिनके नामांकन वापस होंगे, और ऐसा ही आंकड़ा सामने आया। औपचारिक रूप से 95 नामांकन वापस हुए। और दिलचस्प बात यह है, इस पर भी मैं आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा, कि 31 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ और एक एक सीट का आंकड़ा आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से डोईवाला से लेकर धनोल्टी, देहरादून कैंट से लेकर धर्मपुर, धर्मपुर से लेकर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से लेकर कोटद्वार, भीमताल, घनसाली, यमुनोत्री, रुद्रपुर, चक्राता, किच्छा, कैसे झेल रहे हैं बीजेपी बगावत की आग। और कुछ पुरानी तस्वीरों का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सियासत में ये तस्वीरें उन बागियों की बानगी को भी बयां करती है जब बगावत का बिगुल बजना शुरू हुआ था। हरक सिंह रावत का जिक्र कर रहे हैं, वैसे हरक सिंह रावत का इस पूरे प्रकरण से आप कहेंगे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बगावत की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। भले ही प्रत्याशियों का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बगावत की दास्तान चाहे आप टिहरी देख लीजिए, धनोल्टी देख लीजिए, कोटद्वार देख लीजिए, हर जगह आपको दिखाई देगी। कांग्रेस के घर में भी यमुनोत्री, लालकुआं, रामनगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, घनसाली, सब जगह बागियों की एक लंबी कतार दिखाई देती है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। कमलेश रमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है, महिला चेहरा है। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ नितिन जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, कुछ ही देर में वो हमारे साथ शामिल होंगे। तो कमलेश जी, बागियों की सियासी हुंकार, किसकी जीत और हार? खूब दौड़, खूब मेहनत, इधर भाग उधर भाग, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो खुलकर बगावत का इजहार कर रहे हैं, अभी भी मना नहीं पाए मैडम। नहीं देखिए, ऑलमोस्ट हमने सभी सीटों पर अपने जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ
उन सबको अधिकतर वापसी कराई है, उन्होंने अपने नामांकन वापस लिए हैं कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि जिन्होंने नामांकन भरे थे हो सकता है कि वो एक हल्का सा उनके अंदर एक गुस्सा हो जिसके कारण उन्होंने नामांकन भरे थे, क्योंकि लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस उनके ब्लड में है, तो इसलिए वो कांग्रेस से बाहर नहीं गए और ज्यादातर प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश की है और सब लोग बैठे भी हैं। हाँ कुछ सीटों पर है हमारे कुछ प्रत्याशी अभी भी डटे हुए हैं मैदान में, लेकिन पार्टी ने उनको अभी भी एक मौका दिया है कि अगर उनको नामांकन वापस नहीं ले पाए हैं किसी कारण से तो वो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी। तो हमने अधिकतर लोगों को मनाने की कोशिश की है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने देखा है कि हर सीट पे जाकर के जो हमारे बड़े नेता थे उन्होंने लोगों से बात की है, हमारे कार्यकर्ताओं से बात की, क्योंकि सम्मान सबको चाहिए और सम्मान कार्यकर्ता का पार्टी में हमेशा बरकरार रहता है। और आज भी जो महिलाएं जो हमारी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं मैदान में वो कांग्रेस फाइंडेड है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हर सीट पे आपको क्लियर मिलेगा प्रत्याशी के पक्ष में हमारे लोग काम करेंगे। कमलेश मैडम, पहले आपने कहा कि कांग्रेस का डीएनए कांग्रेस माइंडेड, मैंने तो उत्तराखंड में कांग्रेस माइंडेड छोड़िए, मैंने ऐसे नेता को देखा है जो आप ही से बागी हुए और खंडूरी सरकार को समर्थन दे रहे थे, समझ रहे हैं ना, नाम लू मैडम, तो इसलिए वो छोड़िए अभी उस बात को। खैर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा बड़े नेताओं को मोर्चे पर लगाया था, बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल हमने कर दिया, आप तो लाल कुआं में भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, हरीश रावत संध्या ने बनाया नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है, वहां पर भी हुआ है। हाँ ठीक है, हमारी बहन वहां पर चुनाव लड़ रही है, गुस्से में है अभी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि वो अभी कांग्रेस के पक्ष में माननीय हरीश रावत जी के लिए काम करेगी और दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो बहुत कांग्रेस की कैडेट वर्कर है, हमारी कार्यकर्ता है, आघात पहुंचा है उनको, क्योंकि कांग्रेस के नेता गए थे मैडम को मनाने के लिए, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहे, पहले खबर आई कि मान गए, मैडम मान गई, और फिर उसके बाद मैडम ने कहा नहीं 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 मैं तो पर्चा दाखिल करूंगी। और अब सुनिए एक अंदर की खबर और बता रहा हूं जी, मैडम पहले तैयार हो गई थी कि मैं नामांकन वापस ले लेती हूँ, खबर ये है जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने फोन किया था मैडम, बोला कि नहीं डटे रहो चुनाव हम लड़वाएंगे, खड़े हो जाओ। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है मैडम। अब देखिए अब उसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि इस बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमें इतना मानते हैं कि संध्या जो हमारी डाला कोटी जी है बहुत ही कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता है, और अगर वो मैदान में है मैडम तभी तो आपने टिकट दिया होगा, मैडम कर्मठ कार्यकर्ता है, जैसे कमलेश रमन जी कर्मठ है वो भी कर्मठ है, देखिए जैसे आपका टिकट कट गया उनका भी टिकट कट गया, स्वार्थों की पूर्ति करने लगेंगे तो पार्टी का भला कौन सोचेगा, पार्टी के भला कौन सोचेगा। संध्या मैडम तो कह रहे हैं कि चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, करना ही पड़ता है, हमारे कैडर का कार्यकर्ता है, कौन है कमलेश मैडम जो संध्या मैडम को कह रहा है कि चुनाव लड़ो कोई दिक्कत नहीं है हम लड़वाएंगे, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं है कि किसी बड़े नेता, नॉलेज में सब है मैडम, आप ही जानते हैं और वो बड़े नेता जिनका आप कह रहे होंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि इस वक्त संध्या डाला कोटी मार, कौन है जो चाहेगा कि संध्या वहां पर डटी रहे और हरीश रावत चुनाव हार जाए, कोई तो होगा ना मैडम, क्या पता कोई आपके घर से हो, कोई आस पड़ोस की सीट से हो, कोई कैसे हो सकता है, कोई चक्राता से हो सकता है, कोई भी हो सकता है मैडम, कोई रामनगर से भी हो सकता है, कोई सल्ट से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो तो। खैर, आपने कहा हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया, ओके नितिन जोशी जी ये कह रहे हैं हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया, जहां पर लग रहा था बगावत की आग सुलग रही है, अभी कुछ 6-7-8 सीटें हैं, लेकिन अनधिकारिक रूप से कम 12 सीटें हैं कांग्रेस के घर में, अभी तो मैंने वो वाली सीट काउंट ही नहीं की जहां पर जिसको इधर से उधर फेंका वो भी तो नाराज हो गई ना। आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर लेगी? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, डैमेज कंट्रोल्स हुए हैं, कहीं पे डैमेज कंट्रोल तो कल हो गए हैं, जो लास्ट का दिन था उसमें नामांकन वापसी हुए हैं, पर हम सब लोग ये जानते हैं सर कि क्या डैमेज कंट्रोल सिर्फ हम उस नेता को मना लेने मात्र को मान सकते हैं, या उसके जो समर्थन करने वाले जो समर्थक हैं वो दूसरे प्रत्याशियों के सामने खुलकर आज अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो भाजपा के नारे लगा रहे हैं,
और मतलब जो विरोध में जो मजबूत प्रत्याशी है एक पार्टी के अलावा उसके समर्थन में जो उनके समर्थक खड़े हो रहे हैं, क्या इसको हम डैमेज कंट्रोल माने? क्या हम ये मान सकते हैं कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ेगा? जो प्रत्याशी था उसके मना लेने मात्र से क्या हम मान सकते हैं कि सबको मैनेज कर लिया गया है? सर कमलेश जी, बड़ी चिंता कर रही है आम आदमी पार्टी भी आपकी। हमारे साथी हैं, ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए तो इनका भला होगा। अच्छा, ये बीटीम वाले हैं? ये चाहते हैं सर, हम सरकार हम सी टीम है, हम जनता की टीम है। सरकार आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की जो महंगाई इतनी बढ़ गई है महंगाई से निजात मिले, वो कांग्रेस की सरकार है। कोई नहीं पूछता युवाओं को, तो मैं धन्यवाद करूंगी अपने नितिन भाई का। कितने युवाओं को टिकट दिए आपने, कितने युवाओं को टिकट देने के बाद काट दिए जानते हैं ना? टिकट लेने के बाद वापसी ले लिए गए, वापसी ले लिए गए। अगर आप नजर उठाके देखेंगे तो युवाओं को लगभग टिकट मिले हैं। आप नजर उठाके देखेंगे, युवाओं का मतलब युवा होना नहीं, आपकी युवा एक विंग है, उस विंग के कितने पदाधिकारियों को आपने टिकट दिए ये बताइए। युवा का मतलब ये नहीं होता कि 18 से 40 साल के कितने हैं। जो आपके यूथ विंग, जो आपके युवा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कितनों को आपने टिकट दिए, कितने प्रत्याशियों को दिए और कितनों से छीन लिए देने के बाद, ये भी बताइए बहन। देखिए छीनना, ये तो पार्टी का अपना एक निर्णय है कि पार्टी को कहां क्या लगा, ये तो सारी चीजें हैं। आपके आपके यहाँ भी तो बगावत के सुर उठे हैं, आपके यहाँ भी तो कार्यालय बंद हो गए हैं, कई सारे ऑफिस बंद हो गए। आप पार्टी के जिन लोगों को आपने टिकट नहीं दिया वो कितने नाराज होकर सड़क पे घूम रहे हैं, आप भी तो देखिए इस चीज को। अचीवमेंट है हमारा, अरे वाह, आपके प्रवक्ता ने अचीवमेंट छोड़ा, आपके प्रवक्ता ने, आपको याद होगा संजय भट्टी ने आपकी पार्टी को छोड़ा है और उन्होंने अपनी टोपी भी फेंक दी। और ये पहले आपकी पार्टी छोड़कर वो यहाँ आए थे। सुनिए सुनिए, संजय भट्टी पहले कांग्रेस छोड़कर, संजय भट्टी पहले कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए थे। अपने आंकड़े क्लियर कीजिए, पार्टी की चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें कि आप कितने एस्टैब्लिश है उत्तराखंड में। नितिन जी आप अपने अपने उनको देख लीजिए, उन्होंने इसलिए ये कह के इस्तीफा दिया है कि गढ़वालियों को टिकट नहीं दिया आप पार्टी ने। कांग्रेस में क्या बोल के इस्तीफा देकर आए थे संजय भट्ट जी? कांग्रेस में क्या, कांग्रेस से क्या इस्तीफा देकर बोलकर आए थे संजय भट्ट जी, बताइएगा जरा आप। देखिए जोशी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि नेशनल पार्टी है और आप अभी अभी एस्टैब्लिश हो रहे हैं, धीरे धीरे अपना करते रहिए, काम अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अभी आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका भी भला होगा, युवाओं का भी भला होगा। बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं शीला दीक्षित जी का। आज बेचारी हमारे बीच में नहीं रही, पर उनके वो वर्ड्स भी आपको याद होंगे जब उन्होंने कहा था कि केजरीवाल तो एक सपना है, आकर चले गए, उसके बाद जनता ने क्या मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, ये किसी से छुपा नहीं है बड़ी बहन। कोई बात नहीं, आपकी बार देख लेंगे अब आपको दिल्ली में कितना मैंडेट मिलेगा और आपको उत्तराखंड में कितना मिलने जा रहा है, ये भी आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। 100% एक महीने बाद, एक महीने बाद मैंडेट आपको मिल रहा है उत्तराखंड के अंदर। देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, सीना ठोक के नहीं, आपको आप सीना ठोक लेगा। रुके 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 एक मिनट, क्योंकि अभी सुनील त्यागी जी भी हमारे साथ, सुशील त्यागी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी त्यागी जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नितिन जी मैडम मुझे बताइए, सीना ठोक के उत्तराखंडियत है ना, बड़ा दावा कर रहे हो, जरा मुझे ये बताइए कि देहरादून में 10 विधानसभा सीटों पर कितने गढ़वाली उतारे आपने? सर हमने कहा ना, हमें ये जात पात और इन सबकी राजनीति से बहुत ऊपर उठ के हमने काम किया। अच्छा। है दिल्ली के गढ़वाली, सुनिए बहन, अरे मैम मैं जवाब तो दे रहा हूँ, गढ़वाली होना मात्र एक एलिजिबिलिटी मानी जाएगी क्या सर? सर टिकट बिछा है, बेचा है, टिकट खरीद फरोख्त हुई है, आरोप लगाइए, मेरा आरोप नहीं है, ये भाई साहब यहीं पे बैठे गए थे। कौन सी पार्टी में कि तिलक चावला ये महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, ये फ्रॉड पार्टी है, यहाँ के प्रदेश प्रभारी ने डील कर ली बीजेपी के साथ, मैच फिक्स हो चुका है, डमी कैंडिडेट उतारे इन लोगों ने, ऐसा बोल के गए। कौन सी पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि बड़ी ईमानदारी से हमारे सामने वाली विरोधी पार्टी का डमी कैंडिडेट बता रहे हैं आपने बीजेपी के सामने, भट्ट जी बता रहे थे डमी कैंडिडेट खरीद फरोख्त हुई है आम आदमी पार्टी में, आप अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं हमारे, बिल्कुल बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने डमी कैंडिडेट उतारे हैं। दिल्ली में भी लोग ये कहते नजर आते थे कि इनकी तो जमानत जब्त होंगी, कैंडिडेट उतार रहे थे कांग्रेस को हराने के लिए, वो ये बता रहे थे मुझे। नो सर, सुनिए सर, सुनिए, ये हम नहीं सर, ये हम बता रहे, इन्होंने गढ़वालियों का
अपमान किया, गढ़वालियों को टिकट ही नहीं दिया देहरादून में। ये हम फ्रॉड बोल रहे थे आपको, फ्रॉड मैं बोलूं सर? दिल्ली का बॉर्डर लाएंगे। अरे सुनो ना बहन, अच्छा मैं कहूं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे, देहरादून में नहीं पूरे उत्तराखंड में जितने प्रत्याशी होंगे, हाँ हो सकता है कि वो प्रत्याशी इतने परफेक्ट नेतागिरी करने में ना हो, इतने परफेक्ट नेता ना हो, क्योंकि आप उनको डमी कह रहे हैं। हाँ मानते हैं ना, आज सुबह आपके प्रभारी टिकट बेचे, वो बता रहे थे टिकट बेच, कैसे कैसे कहाँ पे इसके, कहाँ पे इसकी वीडियो फुटेज है, कहाँ? नहीं इन्होंने तो 1 करोड़ में टिकट बेचे, इन्होंने 1 करोड़ में टिकट बेचे, तो बताइए क्या कह देने मात्र से चीजें होती है सर? कौन सी वीडियो फुटेज आपके पास है, कौन सी कॉल रिकॉर्ड आपके पास है, कहाँ पे आपका कोई फोटो है, दिखाइए हमको। हम भी इस पार्टी को आज अलविदा करके चले जाएंगे सर। कौन सी पार्टी में, कौन सी पार्टी के ऐसे लोग होते हैं जो असंतुष्ट होने के बाद अपनी पार्टी को अनाप शनाप नहीं कहते सर? बताइए ना मेरे को सर। असंतुष्ट तो कुछ भी कह सकते हैं, और भाजपा हम तो कह रहे हैं टिकट बेचने। अरे सर ठीक है ना, भाजपा अगर ये कह रही है कि आज हम पैसे देकर टिकट दे रहे हैं, देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारा। हम वही दल हैं जिनके लिए आप कह रहे थे हम 70 विधानसभा प्रत्याशी नहीं उतार पाएंगे, आज हम पैसे देकर टिकट दे रहे हैं, ये हमारी सर। वो पैसे देकर टिकट बेच दिए उन्होंने, गढ़वालियों को नहीं उतारा, गढ़वालियों का अपमान किया। देखिए सर, गढ़वालियों को और किसी भी जात जातिवाद को लेकर तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये कहा है जाति सर। आप ही के प्रदेश प्रवक्ता बोल रहे थे जो पहले आप ही की तरह बैठते थे सर। हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता थे, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको एक जानकारी वैसे मुझसे पहले होगी, पर मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता थे हमसे पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे, उससे पहले वो आम आदमी के मेंबर, आम आदमी पार्टी वही लेते हैं। आप भी वही लेते हैं जो कह रहे हैं हमारा कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, ये तो वही ले लेते हैं। ओके वो बहन आप सुनिए ना, आपकी किस बात से रुष्ट होकर संजय भट्ट जी हमारे पास आए थे? अरे दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, हमें बोलते थे ये स्क्रिप्ट पढ़ लो, हम वो पढ़ लेते थे, कहते थे मैंने लोकायुक्त के बारे में बोला तो आम आदमी पार्टी में बोले लोकायुक्त का नाम मत लेना यार। तो ये वो तब बोलते ना, तो ये वो तब बोलते जब उनको ऐसा कहा गया था टिकट कट जाने की सब बातें बोली जाएंगी क्या? आम आदमी पार्टी बीजेपी से लोकायुक्त के मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं करती? आप समझ में आया? आप लोग पूछते नहीं है लोकायुक्त के मुद्दे पर, लोकायुक्त आपका एजेंडा और आप ही के प्रवक्ता, आप ही के नेता बीजेपी से ये नहीं भैया लोकायुक्त मुद्दा क्यों नहीं आया? आप कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि हम भी टीम और सिंगिंग नहीं है, आपके नेता यहाँ लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप रुक जाइए, दिल्ली के अंदर सर, दिल्ली के अंदर लोकायुक्त वाला जो मामला है सर वो चल रहा है। उत्तराखंड में मालूम है क्या है? उत्तराखंड में कहीं पूछा? उत्तराखंड में हम सरकार में नहीं है सर। आपके नेता ने कहीं पूछा है लोकायुक्त कहाँ है बीजेपी से? ये कौन सी फिक्सिंग चल रही है? बहुत सारे मुद्दे हैं सर, ऐसा ऐसा संभव नहीं, एजेंडा था लोकायुक्त, सैकड़ों मुद्दे। बोलिए सर, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा, बोलिए। जिस जिस पार्टी का जन्म लोकायुक्त की कोख से हुआ हो, मुद्दे की कोख से, अपनी मां को भूल गए? भूल गए? मैं कहूं सर, सैकड़ों मुद्दे होते हैं, सभी मुद्दों पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रवक्ता, ऐसा संभव नहीं है कि जो आज जो मैं आज आपसे कह रहा हूं ये पूरी उत्तराखंड की जनता सुन रही है। पूछना, लिखो और बोलना नाम लेकर। हम पूछेंगे नहीं सर, हम सर करके दिखाएंगे, सरकार आने पर मजबूत लोग यहाँ पर देंगे सर, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, जैसे हमने दिल्ली पर अपने मैनिफेस्टो पे काम किया है वैसे उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। और लोकायुक्त हमारा मुख्य मुद्दा होगा सर, ये मैं आपसे दावा करना करके करके जाता हूँ इस डिबेट में सर। सुशील त्यागी, एक बार पूछना मेरे भाई कि लोकायुक्त का मुद्दा हम क्यों नहीं उठाते, पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो आपको भी प्रवक्ता की जगह पूर्व प्रवक्ता लिखना पड़े। मैंने कहा ध्यान से पूछना, हम मजबूत लोकायुक्त देने का काम करेंगे सरकार में। कुछ नहीं, मुद्दा ही नहीं उठाते। कर्नल कोठियाल साहब अपनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोकायुक्त के मुद्दे पर कभी बोलते ही नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोकायुक्त के मुद्दे पर कहते हैं ना बाबा ना, चुप। गणेश जोशी बोलते हैं कौन से फौजी, कहते हैं ना बाबा ना, गणेश जोशी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, चुप चुप। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, कोठियाल ने गणेश जोशी जी का अगर आपने नाम लिया है, गणेश जोशी जी के अगेंस्ट में 4 स्टेटमेंट्स होंगे सर, आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा सर। स्टेटमेंट दिखा दूंगा, स्टेटमेंट आप देखेंगे रोंगटे खड़े। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट्स मैंने एक डिबेट में दिए हो वो पूरा उत्तराखंड देखे, ऐसा जरूरी नहीं है सर। मैं भेज दूंगा आपको, और बुलवा लीजिएगा कर्नल कोठियाल से अगर बुलवाना चाहता हूँ, वो कहेंगे आपको कि आप चुप हो जाइए, गणेश जोशी के बारे में कुछ नहीं बोलना।
वो पता क्या कह रहे थे, कह रहे थे फौजी नहीं है वो, बिल्कुल ठीक बोला ना सर, कर्नल कोठियाल ने बोला है ऐसा, कर्नल कोठियाल ने ऐसा बोला है गणेश जोशी जी के लिए कि वो फौजी नहीं है, वो 4.5 साल में नौकरी छोड़कर आ गए थे। मामला आपके आपके पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे, आप ही की तरह जिंदाबाद के नारे लगाते थे वही सर। मैंने कहा तो वो हमारे जो पूर्व प्रवक्ता है वो पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उससे पहले आम आदमी के प्रवक्ता थे। वो लेते क्यों हो जो पूर्व कांग्रेसी हो पूर्व भाजपाई हो, फिर अलग कैसे हुए? एक बीजेपी में जाके आप लोगों को, मैं सहमत हूं आपकी, राज्य आंदोलनकारी है ना, और एक कांग्रेसी, ये भी कोस रहे आपको। अब छोड़िए कौन सर, कौन सर व्यक्तिगत मत लीजिए, नाम नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं ले रहा हूं सर, मैं पर जवाब देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं सर। सुशील त्यागी जी आप सुन लीजिए, सुशील त्यागी जी, कमलेश मैडम कह रही है कि हमने जो वक्त मिला था हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया और लगभग 5-6 मुट्ठी भर सीटें हैं उसको भी हम मना लेंगे उनको, और वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आपकी लिस्ट देख रहा था सर, बड़ी लंबी लिस्ट है, डोईवाला, धनोल्टी, देहरादून कैंट, धर्मपुर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, सर कुल मिलाकर मैं गिनता रहा लगभग 12-13-14 सीटें हो गई, क्यों नहीं कर पाए डैमेज? नहीं देखिए तिलक जी, जो भी पार्टी का अपना प्रदेश का नेतृत्व लगातार सभी अपने जो ऐसे प्रत्याशी से उनके संपर्क में था, और बहुत सारे लोगों को उनको सारी चीजें समझाने के बावजूद ही बहुत सारे लोगों ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम वापस भी लिया। कुछ लोग अभी भी बचे हैं, उनसे भी भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रदेश का नेतृत्व तो लगातार संपर्क में है। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मदन कौशिक जी, सभी सांसदगण, सभी लोगों से वार्ता कर रहे हैं, और एक समय सीमा है, कल पर्चा वापसी का अंतिम दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी 1-2 दिन और लोगों से हम बातचीत करेंगे, और उसके बावजूद जो भी पार्टी संगठन की गाइडलाइन होगी उसके अनुरूप संगठन अपना काम करेगा। अच्छा, लेकिन ये मुझे एक बात बताइए, आपने पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, सब लोगों को लगा दिया, लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? इतने बड़ा संगठन दुनिया का, फिर भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए? तिलक जी, स्वाभाविक मानवीय स्वभाव होता है, सभी लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे लोग मान जाते हैं, बहुत सारे लोग ज्यादा वक्त लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा परिवार का मामला है। देखिए, एक समय सीमा के बावजूद, सब चीज करने के बावजूद, जो अधिकृत भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, फिर अनुशासन अपना काम करेगा। अच्छा जी, लेकिन अब मैं अपने अपने सहयोगी के पास जाऊं, परसों मैंने मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू किया जी, बोले तिलक भाई कब कोर्ट से गया था, यहाँ गए थे, वहां गए थे, सबको मना लिया। मैंने कहा सर ये सीटें हैं, यहाँ पर कोई नहीं माना। बोले मना लेंगे। मैंने कहा कैसे? कह रहे बस मना लेंगे, आप देखते रहो। तो मैं वही फॉर्मूला जानना चाह रहा था, मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं बताया, आपके आपके पास है तो बता दीजिए। तिलक जी, बेसिकली क्या है, ये नाम वापसी तक सबने प्रयास किया, अभी भी प्रयास जारी है। सभी लोगों से मैंने कहा, हमारे सभी सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में वो लगातार अभी मुकाबला देखिए कैसे दिलचस्प होता है। अभी रुकिए, सुभाष ये कह रहे हैं मना लिया, सबको मना लिया। कमलेश मैडम कह रही है कि मुट्ठी भर है कुछ सीटें। सुशील जी कह रहे हैं मना लेंगे, हम दिल्ली वाले भी फोन करेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान दिखाई दे रहा है? बीजेपी के लगभग 14 सीटें और कांग्रेस की लगभग 6 सीटें, आप प्रत्यक्ष रूप से 6 सीटें हैं, ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से 6 सीटें, आप प्रत्यक्ष रूप से तो शायद 15-20 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस इस वक्त बगावत की आग घेर रही है, लेकिन कह रहे हैं मना लिया क्या? बिल्कुल कहा जा सकता है, जो मानने वाले इनके लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, वो तो पहले से ही उनका पता था कि उन्होंने मान जाना है और पार्टी ने फोन कॉल करना है या उनको समझाना है, वो मान जाएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था उनको मनाने में नाकामयाब रही भाजपा, और कुल मिला के कहा जा सकता है इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद, कोई भी उन लोगों को नहीं मना पाया। खुद आप देखिए, पार्टी के ही 2 विधायक जो थे वो बगावत कर चुके हैं पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में, उनको समझाने में आखिरकार किसकी चूक रही? ना तो इनके बड़े नेता उनको समझा पाए, ना इनके कोई उनके करीबी जो नेता थे वो उनको समझा पाए, वो चुनाव मैदान में आज भी डटे हुए, और बड़ा खामियाजा इसका कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ेगा। चाहे हम धनोल्टी सीट की बात कर लें, चाहे हम रुद्रपुर सीट की बात कर लें, उसके अलावा चाहे हम कड़प्रयाग सीट की बात कर लें, खामियाजा भाजपा को बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है यदि इन लोगों को समझाया नहीं गया तो, क्योंकि लगभग जैसे कि हम बता रहे हैं। थोड़ा सुभाष हमें कैंडिडेट्स के बारे में भी बताइएगा,
और उस कैंडिडेट्स के वजन के बारे में भी बताइएगा, जैसे डोई वाला सीट जितेंद्र नेगी, इनके बारे में बिल्कुल क्या। जितेंद्र नेगी पहले जिला अध्यक्ष थे देहरादून के, और कहा जा सकता है कि एक कद्दावर नेता है, पिछली बार भी उनको टिकट नहीं मिला था और उसके बाद शायद वो बगावत उन्होंने उस समय नहीं की थी, लेकिन इस बार बिल्कुल बड़ा डैमेज बीजेपी को डोईवाला सीट पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ जो नेता है जी, बिल्कुल उनके पूर्व विधायक, और बड़ा खामियाजा है क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब रामगढ़ के पीछे नजर आ रहा है भाजपा, भाजपा खुद उसको देखकर टेंशन में है। कहीं ना कहीं भाजपा ने बड़ी कोशिश की कि उनको समझाने की बुझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामयाब, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि भाजपा पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है। उन चेहरों पर जिनका पता था कि जिन्होंने चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उनको नहीं मना पाई। ये देहरादून कैंट में दिनेश रावत है, धर्मपुर में वीर सिंह पवार है, कुछ हैवीवेट है बिल्कुल कहा जा सकता है वीर सिंह पवार, क्योंकि जो धर्मपुर विधानसभा सीट है उसमें कहीं ना कहीं गढ़वाली मूल के लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, और यही वजह है कि वीर सिंह पवार उनमें अपनी अच्छी छवि मानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वीर सिंह पवार को समझाने में बीजेपी इतना पीछे क्यों रही, क्योंकि वो तो पार्टी कार्यालय से लगभग कहा जा सकता है चिपकी हुई विधानसभा सीट थी, वो उन्हें आराम से मना सकते थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि नहीं मना पाए। वीर सिंह पवार का मोबाइल पिछले 2 से 3 दिनों से बंद था, केवल इस वजह से क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये वीर सिंह पवार को नहीं समझा पाए, उनके करीबियों को नहीं समझा पाए। और टीकाराम मैखुरी, बिल्कुल टीकाराम मैखुरी काफी नाराज चल रहे हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर। और बड़ी चीज ये है कि टीकाराम मैखुरी की बात ये कही जा रही थी कि सर्वे में सबसे ऊपर टीकाराम मैखुरी है, बीजेपी का जो सर्वे है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो सर्वे की बात कही जाती है बीजेपी में वो बिल्कुल झूठी है, और उसके बावजूद वो चुनाव मैदान में आज टिके हुए, तो खामियाजा बीजेपी को उस विधानसभा सीट पर भुगतना पड़ सकता है। धीरेन्द्र सिंह चौहान, क्योंकि मैं एक एक सीट का आकलन इसलिए कर रहा हूँ सुशील जी, आप लोग सोच रहे होंगे एक एक सीट पर एक एक कैंडिडेट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे वजह यह है कि कुछ होते हैं जो सिर्फ डमी कैंडिडेट होते हैं और कुछ होते हैं हैवीवेट, और उत्तराखंड में ऐसे हैवीवेट कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, सरकार भी बना देते हैं, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं इन लोगों का। भीमताल में जो है सुभाष, एक मनोज शाह है, घनसाली में दर्शनलाल आर्य हैं, यमुनोत्री में भीमताल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद उनको कोशिश कर रहे थे समझाने की, लेकिन शायद पार्टी के मुखिया ही उनको समझाने में नाकामयाब रहे, इसके साथ ही भीमताल में नाकामयाब रहे। ये वो चेहरे हैं जिन्हें समझाने में बीजेपी एक तरीके से पूरी तरीके से फेल रही। डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी जिन नेताओं को दी थी वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पाए, और जो कार्यकर्ता है उसकी नाराजगी बताती है कि वो अपनी पार्टी से कितना खफा है, अपने नेताओं से कितना खफा है, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से कितना खफा है कि वो चुनाव मैदान में उतर गए। अच्छा, ये बड़ी ये कहीं ना कहीं कहा जाता है नाराजगी बहुत ज्यादा दिख रही है। घनसाली में दर्शनलाल आ रहे हैं, यमुनोत्री में मनोज कोहली हैं, और रुद्रपुर सबसे दिलचस्प, रुद्रपुर दिखाई दिया मुझे। ठुकराल बोले, कसम खा के खाता हूं तिलक भाई, कदम पीछे नहीं खींचूंगा, मैंने 3 बार बोला कि 31 तारीख को नामांकन वापस ले लोगे, बोले मतलब ही नहीं उठता। लेकिन सुशील की पता नहीं क्यों नहीं मना पाए इनको, ठुकराल साहब को भी। बिल्कुल यही वजह है सर, मैं कह रहा हूँ ना, जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े नेता थे, जो ये कहा जा सकता है राजकुमार ठुकराल 2 बार के विधायक हैं लगातार के इनकी पार्टी के, उनका टिकट काटा गया, उनकी नाराजगी हुई, तो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, या फिर कहा जा सकता है सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, आखिरकार इनकी जिम्मेदारी कहाँ थी, इनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको समझा कर बिठाने की, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहे, तो कहा जा सकता है डैमेज कंट्रोल में कहीं ना कहीं कमी थी, और उसका खामियाजा 2022 का जो रिजल्ट है वो बताएगा। ओके कमलेश जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले सुशील जी, सुभाष गौड़ जो नाम ले रहे हैं वो गलत नाम ले रहे हैं, ये आप ही के बागी है ना सारे? अभी तो यमुनोत्री में मनोज कोहली का नाम बच गया, रुद्रपुर का जिक्र मैंने कर लिया, चक्राता में कमलेश भट्ट है, और किच्छा में अजय तिवारी। सर फेहरिस्त बहुत लंबी है। सुभाष जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है सुभाष जी के भारतीय जनता पार्टी का संगठन नाकामयाब रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने बिठाया भी है, बहुत सारे लोग हमारे कार्यकर्ता अभी भी चुनावी मैदान में हैं। हम अंत समय तक ये प्रयास करेंगे कि वो बैठ जाए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी। पड़ोस की सीट को नहीं बिठा पाए आप, देहरादून के ही पड़ोसी को नहीं बिठा पाए। नहीं, देहरादून नहीं, चाहे आपने जो नाम लिए हैं, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे रुद्र हो, ऐसा नहीं तिलक जी, हम अभी भी प्रयास वाला देहरादून कैंट और धर्मपुर, इन 3 सीटों पर तक नहीं बिठा पाए सर आप।
नहीं ये अभी ये मैं कह रहा हूं तिलक जी कि 70 विधानसभाओं में जहां भी लोग बचे हैं अभी ऐसे जिनको हम नहीं अभी हमारी वो बात मान पाए। देखिए कल ही माननीय अजय भट्ट हमारे केंद्रीय मंत्री जी राजकुमार ठुकराल जी के घर पर थे, फिर दूसरे दौर की बात होगी अंत समय तक 13 तारीख तक भी मैं आपको आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से निश्चित रूप से संपर्क में रहेंगे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। आपके चुनाव प्रभारी तो कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद हम उन्हें निष्कासित कर देंगे जो चुनाव के मैदान में रहेंगे। आप देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 5 तारीख के बाद निष्कासित कर देंगे, वो एक प्रक्रिया है संगठन की, उसके बावजूद भी अंत समय तक भी उस प्रक्रिया को पार करने के बावजूद जैसा प्रभारी जी ने कहा कि एक हमने डेट दे दी कि भाई हम कितने प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का सारा काम कर रहा है संगठन, सारे सांसद लगे हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं आप ही बता रहे हैं जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने 5 लोगों को कल ही बिठाया है, जो भी लोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनको समझाने का प्रयास करेगी। सुभाष 5 तारीख डेट लाइन है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश चुनाव प्रभारी ने कहा था कि यदि उनको समझाने में इनके आला जो बड़े नेता हैं, चाहे सांसद हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, या तमाम जो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभाते तो उनके भविष्य पर भी उसका खतरा है, और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई वो संगठन करेगा, संगठन उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगा। लेकिन आखिरकार मैं कह रहा हूँ कि ऐसी वजह क्या बनी कि घर के जो लोग थे, जो घर का झंडा उठा रहे थे, जो घर के लिए रात दिन काम कर रहे थे, उनको ही पार्टी के खिलाफ बगावत करनी पड़ी। उसकी मुख्य वजह यही थी कि जो नेताओं को टिकट दिए गए, जो बाहर से ज्वाइन कराए गए, और ये कहा जाता है चंद घंटों पहले पार्टी में शामिल हुए और चंद घंटों बाद उनको टिकट दे दिया गया, तो ये बड़ी नाराजगी आज भी कार्यकर्ताओं में है जो चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर उस नाराजगी को कैसे खत्म करेंगे, उस नाराजगी को कैसे खत्म करेंगे? लेकिन कमलेश जी और नितिन जोशी जी, सुशील त्यागी जी, सुभाष बहुत जो है वो गंभीर खबर निकाल के लाते हैं। अब एक खबर मुझे याद आ गई, चलते चलते जो है वो उस खबर को मैं बीच में ले आता हूँ, क्योंकि अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूँ, और वो महत्वपूर्ण विषय है लाल कुआं का। लेकिन उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ सियासी। ये जो डेमी कैंडिडेट होते हैं ना, जो निर्दलीय हो जाते हैं, जो बागी हो जाते हैं, उनमें से कई क्या होते हैं मैडम, कमलेश मैडम, सुशील जी, 2012 का वाक्य बताता हूँ। मेरे पास एक फोन आया पूर्व चैनल में, बोले तिलक भाई मैंने यहां से नामांकन कर दिया, लेकिन कोई सीरियस नहीं ले रहा मुझे, भाई एक काम कर दो, बस मेरी खबर चला दो और खबर में लिख दो कि ये बहुत हैवी वेट, नेताजी की कुर्सी खतरे में, सीट खतरे में है, तिलक भाई मेरा इतना काम कर दो, एहसान हो जाएगा आपका। मैंने कहा भाई जब चुनाव नहीं लड़ना तो फिर ऐसा काम कर क्यों रहे हो, पार्टी की मोल क्यों ले रहे हो बगावत? तो बोला आपको मालूम नहीं है, अभी कर तो दो बस। मैंने कहा क्या होगा इससे? बोले नेताजी का फोन आएगा, दर्जाधारी मंत्री तो बन जाऊंगा, कुछ तो मिल जाएगा, समझ रहे ना मैडम? अब मुझसे नाम मत भुलवाइए। बिल्कुल हाँ, देहरादून में मेरे भी कई मित्र हैं, कल खबर देना बंद कर देंगे, कोई ऋषिकेश भी पहुंच जाएगा और ऋषिकेश वाले बैठ भी जाएंगे, है ना कमलेश मैडम? जी किसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, है ना? कुछ तिलक भाई चावल भी है। तिलक भाई आप बहुत अच्छे से सारी राजनीति को जानते हैं बखूबी, क्योंकि आप मीडिया जो हमारा है वो चौथा स्तंभ है, और वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच पाता, उनका कैमरा उनकी आंखें ऐसी जगह पे पहुंचती है जहां कोई नहीं देख सकता। मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दो, मैं तो हकीकत बता रहा हूं। फोन करके बोलते हैं मेरे भाई कम से कम एक बार बोल दो ये हैवीवेट कैंडिडेट है, बस फोन आ जाए मुझे। तो क्या भाई आपने करा ऐसा? क्या आपने करा ऐसा? मैं तो मैडम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ के आया हूँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो अभी किसी ने नहीं पूछे, आप देख लेना टाइम लाइन पे। कल जो है वो मुख्यमंत्री का इंटरव्यू भी आने वाला, ठीक है ना? जो हरीश रावत जी से पूछ सकता हूँ वो मुख्यमंत्री जी से भी पूछ सकता हूँ, भले ही मेरे मित्र हो, लेकिन पूछूंगा। जो सत्ता में होंगे, जो सत्ता जवाबदेही जिम्मेदारी उसी की है जो सत्ता में है। सवाल कमलेश मैडम जब हरीश रावत जी से तब भी पूछता था, विजय बहुगुणा से तब भी पूछता था, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से तब भी पूछे, और जब तिवारी जी से तब भी पूछे थे। इसलिए अब मैं आता मुद्दे पर। अब सुभाष जरा मुझे एक अंदर की खबर बताओ। अब पता नहीं, हो सकता है कमलेश मैडम क्योंकि पार्टी के अंदर बंधी हुई है,
ये लाल कुआं वाला क्या सीन है? कल खबर ये आई सुबह, सुशील त्यागी जी, लाल कुआं में खबर ये आई कि संध्या मैडम मान गई। संध्या मैडम ने कहा चलिए ठीक है, हरीश रावत जी के सम्मान में हम नहीं लड़ सकते। लेकिन एकाएक मैडम के फोन पे घंटी बजी, फोन पर घंटी बजी। अब ये सूत्र बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद मैडम ने कहा ना बाबा ना, मतलब ही नहीं, चुनाव तो मैं लड़ते रहूंगी, चाहे हरीश रावत चुनाव जीते या हारे मैं चुनाव लड़ूंगी। ये फोन कहां से गया होगा सुभाष? क्या कुछ ऐसा है कि कांग्रेस के बड़े नेता ने फोन करके बोला कि संध्या आपको चुनाव लड़ना है, पूरा सपोर्ट रहेगा? इस तरह की खबरें बहुत पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल उसी सीट पर नहीं है, ये उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं सीट पर है, जिस सीट पर अच्छा, लगता है कि हमें कोई फायदा हो सकता है उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा हम जो बीजेपी का अभी समय होटल बना हुआ है वहां मौजूद थे, और वहां लिस्टें आ रही थी लगातार इस प्रकार की, बहुत सी लिस्टें आ रही थी जिस पर कहा जा रहा था कि इनसे सहमति बन गई है, इनसे सहमति बन गई है, यानी कि उनको मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही थी कि जिससे दूसरे विपक्षी दल को नुकसान हो और अपनी पार्टी उसका फायदा उठा पाए। तो कुल मिलाकर यही वजह हो सकती है कि लाल कुआ में कौन चाहेगा हरीश रावत चुनाव हार जाए, वो भी कांग्रेस के घर से? कौन चाहेगा कि संध्या जी आप चुनाव लड़े, हम पूरा आपको सहयोग करेंगे, आप चुनाव लड़िए बस हरीश रावत जी के खिलाफ? वो भी कांग्रेस, मैं बता रहा हूँ, ऐसी जैसे बीजेपी की स्थिति बनाई जा रही वैसे ही पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस भी चाहते हैं, कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में, क्योंकि ये कहा जाता है कांग्रेस में जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस चाहता है कि हर जो कार्यकर्ता वो चाहता है वो विधायक बने, हर कार्यकर्ता चाहता है जो विधायक वो चाहता है मैं मंत्री बनूं, और जो मंत्री या सीनियर लीडर है वो चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं। इसलिए ये तो साफ है, जो आपसी गुटबाजी है आज से नहीं, ये पिछले 5 सालों से जो गुटबाजी, आपसी गुटबाजी है, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रहा है, और यही वजह है कि ये कहा जाता है लाल कुआं सीट में हराने की कोशिश कांग्रेस के अंदर भी की जा रही है, और यही वजह है कि संध्या ने फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश की है। किसी ने बोला संध्या मैडम को, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं नामांकन वापस नहीं लूंगी। मतलब कौन चाहेगा हरीश रावत को हराना, वो भी कांग्रेस के अंदर? देखिए देखिए तिलक जी, कोई कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने फोन किया है क्या है, क्योंकि अभी मेरे ऐसी नॉलेज में कोई ऐसी चीज है नहीं कि किसी बड़े नेता ने या किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे होगा। भाजपा चाहेगी कि वहां से संध्या डालाकोटी जी चुनाव लड़े सीधा, या दूसरा विपक्ष पार्टी चाहेगी कि संध्या डालाकोटी चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों चाहेगा कि अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ संध्या डालाकोटी जी चुनाव लड़ेगी? लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ तिलक भाई, बहुत जल्द आप डालाकोटी जी को देखेंगे कि वो कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगेगी, हरीश रावत जी के समर्थन में वोट मांगेगी। देखिए कार्यकर्ताओं की नामांकन किया है, आपको मान ली जाएगी। मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, प्रकाश जोशी जी गए थे कि नहीं गए थे उनको मनाने? कौन प्रकाश जोशी जी? देखिए मैंने बताया ना कि मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संध्या डालाकोटी जी मानेंगी, क्योंकि कांग्रेस समर्थित संध्या जी मानेंगी लगता है आपको? कमलेश जी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगी तिलक भाई। देखिए बिल्कुल मानेंगी। देखिए सुशील जी क्या जवाब, आपको दिलचस्पी नहीं है कि अगर वो चुनाव लड़ने तो हरीश रावत चुनाव हार जाएंगे? आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है क्या? नहीं, हमें लाल कुआ को जीतने में दिलचस्पी है, कमलेश जी लड़े या बैठे ये तो संध्या जी लड़े या बैठ जाए, कमलेश जी को तो पहले ही बिठा दिया, लेकिन लाल कुआ जीतने में दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी की है तिलक जी। अच्छा लाल कुआ आप कैसे वो पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे सुबह, पवन चौहान जी आपके घर के बोले तिलक भाई मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी है, इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया भाजपाइयों ने, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। आपके घर में भी यही हाल है, आप कह रहे हो लाल कुआ हम जीत जाएंगे, पवन चौहान भी अड़े हुए हैं, बताइए। नहीं नहीं, पवन चौहान जी साथ आएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे जाएंगे कि लाल कुआ की जो जनता है, देखिए क्या है तिलक जी के हरीश रावत जी पहले टिकट कहां मांग रहे थे? रामनगर। उन्होंने तैयारी वहां की, उससे पहले उनकी सीटी तय नहीं थी, अब वो अचानक वहां चले गए तो जो तैयारी कांग्रेस का कैंडिडेट वहां कर रही थी संध्या जी, वो क्या करेंगी?
उसको भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा ही खड़ा कर दिया, वो इनका मैटर है, कांग्रेस का कमलेश जी का वो देखे। मुझे लगता है कि सुशील जी शायद अपनी पार्टी की तरफ नजर नहीं घुमा रहे हैं, सुशील जी अपनी पार्टी की तरफ नजर नहीं घुमा रहे हैं कि उन्होंने कहां कहां कौन सी सीटों पे बदलाव करके किस किस को कहां बैठा दिया, अपनी तरफ नजर भी घुमाइए सुशील जी। और दूसरी बात, आपके तो पूर्व मुख्यमंत्री ने लड़ने से पहले हथियार डाल दिए, रामनगर में क्या दिक्कत थी, कभी तो वो इतनी आई रामनगर में दिक्कत क्या थी, आपका धर्मपुर में भी बागी कैंडिडेट, आपका कैंट में भी बागी कैंडिडेट, आपका सहसपुर में भी बागी कैंडिडेट, जो मुख्य चुनाव के नेता है हरीश रावत जी वो अंत समय तक अपनी सीट नहीं तय कर पाए। आप हमारी चिंता मत करो, लगा सकते हैं आप अपनी चिंता, लेकिन आज की तारीख आप अपनी चिंता कीजिए कि आज की तारीख में आपके रावत जी की जो स्थिति है वो इतनी खराब है, आप देखिए हरीश रावत जी को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं लाल कुआ में, अभी कभी आप प्रकाश जोशी को भेजते हैं वो दिन में तारे दिख जाएंगे लाल कुआ में, वो क्या 70 जिताएंगे लाल कुआ से नहीं जीत पाएंगे। कमलेश जी आप गंभीरता से लीजिए, बहुत स्थिति खराब होने वाली है भारतीय जनता पार्टी, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, आप स्थिति देखिए। दोनों पिता पुत्र दूसरी बार हारने जा रहे हैं इस चुनाव में, दोनों पिता भी और पुत्री भी, ध्यान रखिए कमलेश जी जो बात कह रहा हूँ, हरीश रावत जी लाल कुआ से और उनकी बेटी हरिद्वार ग्रामीण से, आप क्या बात कर रहे हैं सुशील जी, अब आप सुन लीजिए, आपकी जनता नहीं सुन रही की बात आएगी तो आपसे पूछने नहीं जाएंगे हम, इसलिए तो हरीश रावत जी सीट बदले हैं समय तक, आप अपने ढोल वाला को चुनाव लड़ाना था वो अपने लड़ने के लिए सीट खोजता है, आपको पता होना चाहिए जनता क्या चाहती है, बार बार सीट बदलने से क्या जीत जाएंगे हरीश रावत जी, क्यों गए रामनगर की तैयारी कर रहे थे पहुंच के लाल कुआ, अरे अपनी सीट अपना नेता नहीं बचा, ज्यादा अच्छा है आपको तथ्यों पे बोलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी विधानसभा में आपके कैंडिडेट लोग हत्या करते हैं देशवासियों ने, आपको ये पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात लाल कुआ में आपके जनता पार्टी को पता है उत्तराखंड की दुनिया की सेवा, हरीश रावत जी को पता है अपने परिवार का संरक्षण। एक मिनट कमलेशी प्लीज, सुशील जी एक मिनट, ये लाल कुआं में अमृत निकलेगा या विष निकलेगा, अमृत निकलेगा कुएं से लाल कुएं से या विष निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, और किसके लिए अमृत निकलेगा और किसके लिए विष निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल निकलेगा, एक मिनट तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल निकलेगा लाल कुएं से, द्वार में भी यही सुना था, चलिए देखते हैं कहां से कमल मिलता है धर्म मार्ग को। ओके जिस तरह से सर ये दोनों पार्टियां लड़ रही हैं आपस में, ये इनका चरित्र दिखाता है, कौन सा नेता जीतेगा कौन सा नेता हारेगा, इस लड़ाई ने 21 सालों में उत्तराखंड की जनता हार गई है, इनके इतने एक सीनियर मोस्ट लीडर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं लाल कुआं मौत का कुआं है, मतलब वहां की जनता जो रहती है वो मौत के कुएं में रहती है, क्या ये उत्तराखंड की जनता लाल कुआं की जनता का अपमान नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक भी महिला का नाम नहीं है, ये आपके दोहरे चरित्र को दर्शाता है, लाल कुआं से हरीश रावत के साथ खड़े हो जाओ ना, यहाँ क्यों बैठे वो आप छोड़िए सुनिए मेरी बात, अगर आपने हरीश रावत जी का नाम लिया है ना तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के एक वरिष्ठ नेता हैं, आपके वहाँ भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन 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 सुनिए ना मैं कह तो रहा हूँ, हरीश रावत एक उत्तराखंड के बड़े लीडर हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके आपके भाजपा के भी बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिनके विजन से हम प्रभावित हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके लिए आके काम करने लगे, ये आपकी बौखलाहट को दिखाता है सर, बताइए कि आपकी लिस्ट स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक भी महिला का नाम है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, क्यों नहीं है आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक भी महिला का नाम, बताइए मेरे को जरा। नितिन जोशी एक मिनट मेरे को एक सवाल का जवाब दो फिर मैं सुभाष के पास जा रहा हूँ, कोई बता रहा था कि कर्नल कोठियाल अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे,
यही बोल रहे थे मुझे याद आ गया सर, मैंने कहा जमानत नहीं बचेगी। समय बताएगा सर, समय बताएगा। मैंने कहा ना भाजपा और कांग्रेस क्या कह रही थी और भाजपा और कांग्रेस ने क्या कहा है, ये दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है, अब बारी उत्तराखंड की जनता की है सर, मिल जाएगा जवाब सर। और वहां दिल्ली में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे थे तब इस पार्टी में थे क्या जोशी जी आप? हाँ नहीं, हम उस पार्टी में नहीं थे, पर हम आज हम उनकी एक एक सुनिए सुनिए एक एक नीतियों से प्रभावित होने के बाद केजरीवाल से जुड़े, एक एक नीतियों से प्रभावित होकर कर रहे को क्या से आप नहीं बता रहे के आपके प्रवक्ता के रूप में बैठे हो या हरीश रावत के प्रवक्ता के रूप में, मेरी समझ नहीं आ रहा भाई। आप भी नहीं, ऐसे होगा क्या इस बात को पकड़ने का क्या जो मैंने पूछा, जरा बता देना, जरा बता देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों क्यों नहीं आपके स्टार प्रचारकों में एक भी लड़की का नाम है, बता दीजिए ना आप ये मेरे को, मैं किसी का भी प्रवक्ता है या आप छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए, मैं इसका प्रवक्ता, सुनिए सुनिए, ये कांग्रेस की पैरवी करने लगे। अरे मेरे भाई क्या क्या पैरवी कर दी कांग्रेस को, वोट डाल दो ये कह दिया क्या? नितिन जी हो गया, नितिन जी हो गया सर, हो गया सर, कोई बात नहीं, आपको हो सकता है कोई किसी की भी पसंद हो, वो उनको हरीश रावत पसंद है तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, मुझे हरीश रावत, सुनिए सुनिए, नहीं नहीं नहीं, मैंने कतई नहीं कहा, मैंने हरीश रावत जी से भी और भाजपा की आपने अरे मेरे अच्छा मतलब जो अच्छा लगे वही सुनेंगे। मैंने कहा आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरीश रावत जी लाल कुआं में जाकर मौत के कुएं में चले गए, वहां की जनता मौत के कुएं में रहती है क्या? अपमान करते हैं आप उत्तराखंड की जनता का, ये कहकर शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पर। आप ये जो इतना तो इतना तो कर्नल कोठियाल आरोप नहीं लगाते जितने यहाँ बैठ के आप लगा रहे हो। रुक जाओ, कर्नल कोठियाल को गणेश जोशी ने क्या क्या बोल दिया? कुछ नहीं बोला। अब फिर तभी तो कहते हैं कि आप मैंने थोड़ी आरोप लगाया सर, ये तो ऑफिशियल है, आप देख लीजिए विजय बोगना जी कहते नजर आ रहे हैं साफ साफ। नहीं, वो मौत का कुआं, वो कहां का कुआं, छोड़िए उस बात को, राजनीतिक आरोप लग रहे हैं। अब एक बात सुभाष, मुझे एक बात बताइए आप कि ये जो कांग्रेस की लिस्ट में देख रहा था, कमलेश मैडम चली गई, लाल कुआं के इतर में बात कर रहा हूं, यमुनोत्री से संजय डोभाल, रामनगर से संजय नेगी, रुद्रप्रयाग से मातवर सिंह कंडारी, बागेश्वर से भैरव सिंह और घनसाली से भीमलाल आर्य, ये भी एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर भी, तो यहाँ भी तो हैवीवेट दिखाई दे रहे होंगे जो बागी हैं। सभी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में भी वही लोग चुनाव मैदान में हैं जो हैवीवेट हैं, जो बड़ा खामियाजा कांग्रेस को कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग सीट की अगर बात करें तो माधवर सिंह कंडारी एक वरिष्ठ नेता है और कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा उससे कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हमें भले ही उम्र ज्यादा हो लेकिन पूर्व मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संभाली, भले ही कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों में चले गए वो, लेकिन बीजेपी का कभी बहुत अनुभवी चेहरा हुआ करता था माधवर सिंह कंडारी। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि सीनियर लीडर्स हैं और इनकी जो जनता है वो इनके चेहरे को पसंद करती है, इनके काम को पसंद करती है, तो शायद इस वजह से इन्होंने जनता पर भरोसा करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर, ये तो साफ है। लेकिन अगर जैसे कि और समीकरण देखें और सीटों की बात करें, चाहे हम यमुनोत्री की बात करें तो उसमें भी खामियाजा, गंगोत्री सीट में भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यमुनोत्री में, संजय जिस तरीके से चुनाव मैदान में है, तो क्योंकि बड़ा चेहरा है, लंबे समय से काम कर रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, अंतिम समय में दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया, तो इस वजह से नाराजगी ज्यादा थी। भीमलाल आर्य घनसाली में भीमलाल आर्य विधायक रह चुके हैं और क्योंकि 2017 में भी वो चुनाव हारे और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन पर भरोसा किया जाएगा, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें नहीं उतारा गया, तो इस वजह से नाराज होकर वो चुनावी मैदान में। तो खामियाजा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल में डैमेज हो रहा है, लेकिन उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दोनों ही विपक्षी दल कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है भाजपा सत्ताधारी दल था, उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए थी कि अपने जो कार्यकर्ता है उनको किसी तरीके से भी मना लिया जाए, क्योंकि संगठन के स्तर पर भाजपा को एक बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जाता है, तो ये भी बड़ी वजह रहती है भाजपा के लिए कि उनको मनाने के लिए भाजपा संगठन को मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि हमारा संगठन सर्वोपरि है, संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, यदि संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन सबसे आगे है,
तो वो संगठन कहाँ गया, उनको क्यों नहीं मना पाया। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अलग है, कांग्रेस में जो नाराज होते हैं उनके कुछ खास लोग होते हैं, कुछ खास चेहरे होते हैं, वही चेहरे अपने लोगों को मना पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में भी बगावती सुरूप बहुत ज्यादा है, तो कहा जा सकता है कि इस समय तक चुनाव में व्यस्त होने के कारण अपने लोगों को या तो नहीं मना पाए या फिर गुटबाजी का शिकार होकर ये लोग चुनाव मैदान में आज चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं। सुशील त्यागी जी, आपके यहाँ भी तो कई ऐसे होंगे जो फोन का इंतजार कर रहे होंगे, सबको तो फोन नहीं खटखटाए होंगे ना, क्या पता कोई हो जो कहे कि भैया ये बना दो मुझे, वो बना दो, वो पद दे दो, वो पद दे दो, मैं बैठ जाता हूँ। सभी तो ऐसे थोड़ी ना होंगे। सुभाष जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई मनाने के प्रयास नहीं किए, लेकिन जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पार्टी की विचारधारा से ऊपर हो जाए सुभाष जी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग पार्टी भी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कौन चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों को भी, हमारे सभी माननीय सांसद गणों को जिम्मेदारी दी गई है, तो हम अपने प्रभारी जी ऐसे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठ भी गए, और बहुत सारे लोगों को, जैसे तिलक भाई ने अभी कहा है कि जो भी संगठन में जिम्मेदारियां हैं उनके लिए भी कहते हैं, बैठाने का अंतिम समय तक प्रयास जारी है, और बहुत सारे लोग एक दो दिन में आपके चैनल पे ही जानकारी मिलेगी आपको, भले ही वो रह गए हों, हम उनको 5 तारीख तक बहुत सारे लोगों को बिठा भी लेंगे। सर मुझे नहीं लगता, अगर डैमेज कंट्रोल होना होता, अगर सर डैमेज कंट्रोल होना होता तो कौन चाहेगा कि वो नॉमिनेशन वापस ना लेकर 200-400 वोटों में समेट जाए और किसी और के लिए समर्थन करे, और अपने को मतलब आगे भी ये उसके लिए लोग कहें कि ये तो 200-400 वोट में चुनाव लड़े थे और 200-400 वोट पाए। मुझे लगता है आपको निश्चित तौर पर, सर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, हम मानते हैं सर ये नई पार्टी है, और सर अल्टीमेटली जो वोट देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वही तो लोग हैं सर जो आज तक भाजपा और कांग्रेस को वोट देते आए हैं, तो आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी होगा कि नहीं, ये बता। 100% होगा सर, 100% होगा। त्यागी जी ये कह रहे हैं आपकी लड़ाई का फायदा हमें होगा। तिलक जी आप सभी देखिए राजनीतिक सौदागर लोग हैं, वो निकले हैं किसी स्टेट में। आप क्या बिना सौदे के लेकर आए थे पिछली बार हमारे 9 मंत्रियों को या हमारे 9 मंत्रियों को? एक मिनट, ये कह रहे हैं हमारे 9 मंत्रियों को, मतलब उस समय हम कांग्रेस में करते थे सर। अच्छा कांग्रेस, आपको हम उस समय, उस समय कांग्रेस थे, कांग्रेस के याद आ रहे थे ना भाई। अरे नितिन भाई अभी किसके प्रवक्ता हो, आपके और इस रावत के हो? अच्छा हरीश रावत आपकी दुखती नब्जे है, मैं समझ गया सर इस बात को। अरे जरा बता दो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, बात तो पूरी करो सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले क्यों नहीं स्टार प्रचारकों में किसी लड़की का नाम है, और गूगल में पढ़ लिया, गूगल पढ़ रहे थे अब तक, बता पढ़ लिया गूगल में कि राखी बिड़ला और आतिशी जी, राखी बिड़ला और आतिशी जी हमारी स्टार प्रचारक है। हाँ जी, इसलिए झाड़ू उठाए कि कांग्रेस का झंडा उठाए, ये नितिन भाई को अभी समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हमारे वो उस वक्त हम उस पार्टी, सुनिए ना सर, दे दीजिए जवाब। अच्छा बता दो। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आप ही के प्रवक्ता मतलब पूर्व प्रवक्ता हो गए, कांग्रेसी थे हैं, इतने आरोप लगाए, इतने इल्जाम लगाए, अब आप यहाँ बैठ के भी कांग्रेस की पैरवी कर रहे हो मेरे भाई। सर क्या पैरवी? अच्छा आप मुझे बताइए मैंने क्या पैरवी करी? ऐसा मत करो, कर्नल कोठियार ऐसा ना, अकेले जंग लड़ रहे हो क्या? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हरीश रावत जी प्रदेश को बड़े नेता नहीं है? ये हमने ये कहा, हमने तो ये नहीं कहा कि जाके हरीश रावत जी के फेवर में वोट कास्ट करिए। वो असल में तिलक जी गलती नहीं थी, हम तो 18 घंटे आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियार अरविंद केजरीवाल का झंडा उठाया है सर, नितिन भाई के साथ भी हो रहा है, ये काम नहीं करता, कोई बात नहीं। अरे सर गलती नहीं, आम आदमी पार्टी में मैक्सिमम वही लोग हैं जिनका ये पूरा काम करता है सर, अरविंद केजरीवाल का समझ में नहीं आता। ओके ओके, डैमेज कंट्रोल आपके ने, सुशील जी फोन घुमाइए, क्या पता कोई मान जाए, क्या पता किसी को कुछ दर्जा। अभी भी वक्त है और आपने कहा 13 तारीख तक मनाएंगे सर, मना लीजिए 13 तारीख तक। वो 5 तारीख वाली जो डेडलाइन है उसके बारे में बता दीजिए, फिर 5 तारीख के बाद तो 13 के बाद कीजिए, इसका सिर्फ 5 के बाद क्यों करेंगे? नितिन जोशी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। लेकिन यहाँ लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि डैमेज कंट्रोल अगर नहीं हो पाया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, नुकसान होगा। डैमेज कंट्रोल होगा कैसे ये भी सवाल बन जाता है, वो भी तब
जब खुद पार्टी के घर के भीतर खासतौर पर कांग्रेस में यह बात सामने आए कि अपने ही बागियों को लड़वाने के लिए उतारू है, किससे कई हैं, सच्चाई क्या है और सियासी गलियारों में उठ रही खबरों में कितना दम है, यह तो जनता जनार्दन ही तय करे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।